गेस कीजिए क्या हो सकता है इसमें। ठीक है, क्या होगा बताइए, आप लोग बताना ज़रूर क्या होगा। इसके लिए वीडियो देखनी पड़ेगी आपको, क्या है इसमें, क्या हो सकता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भाग्यश्री उत्तराखंडी ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। गाइस, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पलक। सो कुछ नया नया दिखा रही हूँ, ये देखिए चूड़ियाँ कैसी लग रही है बताना। हाँ, हरी वाली चूड़ियाँ बड़ी प्यारी सी लग रही थी तो मैंने ले ली, ये बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा। सो और आज ना कई, मतलब हमारे वहाँ तो नहीं होता तीज का व्रत, तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग लेते हैं। सो वैसे भी आज सोमवार भी पड़ा है, बहुत अच्छा। तो मैंने तो ये वैसे पहन रखी हैं, मुझे अच्छी लगी थी तो मैं लेके आई हूँ, तो प्यारी लग रही है बहुत ही ज़्यादा। और इनमें जो रेड कंगन है ये भी बड़े प्यारे लग रहे थे, रात को ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, सुबह तो उतने अच्छे नहीं लगते ना, दिन में रात को बहुत प्यारे लग रहे हैं। और कल मेला भी देखने, मेला क्या हमारे उधर को तो नैनीताल साइड को ऐसे लगता है, मतलब ग्राउंड टाइप में ना बहुत बड़ा ग्राउंड होगा गोल ऐसे, तो यहाँ पर ऐसे मेला लगा था कि रोड में यहाँ से स्टार्ट पूरे संगम तक ऐसे लगा था, बिल्कुल मतलब पुल तक बोलते हैं ना, मतलब उधर तक लगा था बहुत लंबा, रोड रोडी बहुत बड़ा मेला टाइप का लगा हुआ था। कल रात थोड़ी देर हम भी गए थे, ऐसे ही पैदल पैदल चल लिए थोड़ा सा, तो अच्छा लगा था। यहीं से बाहर से ही गेट से लेके आगे तक था बहुत ज़्यादा, तो अच्छा भी लगा था कि यहाँ पे हर चीज़ बड़े, मतलब तीज त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं, बड़े अच्छे तरीके से। तो उसके बाद एक आध मैंने शॉर्ट लिया क्योंकि बहुत भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, और ऊपर से ना डीजे की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने कहा यार ऐसे लूँगी तो ना कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा उसमें, तो इसलिए मैंने ना एक आध ही शॉर्ट लिया था, वही दिखाऊंगी मैं आपको, बीच में डाल दूँगी कल शाम का। सो आप लोग भी देख लीजिएगा। और उसके बाद ना फिर हम आए 10:30 बजे आए, जैसे ही हम आधे घंटे के लिए गए थे, हम ऐसे ही शाम को खाना खाने के बाद ऐसे घूम के भी आ जाते हैं और देख के भी आ जाते वाला था, तो जैसे ही मतलब देख के आए, मतलब यार बड़ा हर चीज़ का अच्छा ही यहाँ पे ना, बड़ा अच्छा लगा मुझे कि ऐसे ही मतलब हम चले गए, हर चीज़ मिल रही थी। लेकिन ये वाली आदत हो गई है ना कि पहले ही सब बचपन में अगर जैसे वो होता है ना कि यार ये चीज़ हमने नहीं की, अब झूला वूला ये सब तो सब भी घूमते ही हैं, सभी किया ही है, तो इतना वो नहीं रहा, अब बड़े हो गए ना, मेले हेले का इतना शौक़ भी नहीं रहा, तो ऐसे बच्ची को दिखाने लेके चले गए थे। ये जहाँ पे डीजे बन रहा था ये वैसे ही डांस करने लग गई थी, इसको आदत ही ऐसी है। सो उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि जो वहाँ से तो मैं लाई थी, कई सारी चीज़ें लाई थी, बट अभी क्या ही दिखाऊँ ना आपको, पर इयरिंग लाई थी और दो चार चीज़ें किचन की लाई थी, जो ज़रूरत पड़ती है वही सारी चीज़ें। तो फिर मैंने ना कुछ ऑर्डर किया था परसों, जो बहुत ही मतलब अच्छा आया है, आप लोगों को भी दिखा देती हूँ साथ साथ में, ठीक है आइए। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं, तीज का ना त्यौहार है, कल को है ना भाभी, कल को है, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ये देखिए कितना प्यारा सा सजा रखा है पूरा। कितना प्यारा लग रहा है, आप देखिए पूरा का पूरा ही संगम तक सजा रखी है पूरे रोड, और आप देख सकते हैं मेला ऐसे ही ऐसे ऐसे करके पूरा मेला लगा हुआ है। फ्रेंड्स मैं निकालती हूँ इसमें, बेटा इसको पकड़ना, ऐसे पकड़ो इसको, मम्मा निकालेगी ना, हाँ पकड़ो पकड़ो टाइट से पकड़ो, खींचो उसको अपनी साइड को, चलो इतनी तो अकल आ गई, पकड़ो खींचो उसको, हाँ वेरी गुड, खींच लिया उसको। ये मैंने मंगाया था 7 घोड़ों वाली तस्वीर, जो दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है, और दूसरा ये है ये घर में शोभा बढ़ाती है रूम पर, तो मुझे बहुत बड़ी भी नहीं चाहिए थी, बहुत छोटी भी नहीं चाहिए थी, मीडियम साइज़ में चाहिए थी, जो बहुत अच्छी आई है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, जैसा ही मैंने मंगाया था सेम टू सेम वैसी ही है, कहीं पे कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कैसी मंगाई थी कैसी आई है, बड़ी अच्छी आई है, कहीं पर भी आप लगा सकते हो इसको, वैसे इसके हिसाब से तो इसको पूर्व दिशा में ही लगाते हैं, नॉर्मल चीज़ें तो पूर्व दिशा की ओर ही होती हैं, तो ये अच्छी भी बोलते हैं ना
अशुभ माना जाता है इसको करके, तो इस वजह से और भी सारी चीज़ें हैं इसके उसमें, बट मैं इतनी सारी चीज़ों को मानती नहीं हूँ। अब मानना तो फिर हर चीज़ को मानना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैं इतना वो नहीं करती, बस ये सिर्फ ये अच्छी लगती है और दिखने में भी अच्छा एक होता है करके तो ही मैंने मंगाई है, बकाया इसका कोई रीज़न नहीं है मंगाने का। तो ये दिखने में फ़ोटो बड़ी मस्त लगती है इसलिए मैंने मंगाई है, और अच्छी भी लग रही थी, और घोड़े वाइट वाले घोड़े तो बहुत पसंद होते हैं तो इसलिए दिखने में भी सुंदर लगेगी करके फ़ोटो, तो मीडियम साइज़ की मंगाई थी जो बहुत ही प्यारी आई है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और यहाँ पे पीछे टांगने वाला है इस टाइप का, और ज़्यादा बड़ी नहीं है आप देख सकते हो, मीडियम साइज़ है इसका, बहुत बहुत बड़ी भी नहीं है और बहुत छोटी भी नहीं है, मीडियम साइज़ है। सो बाय बाय गाइस, और ये इतना चिल्ला रही है, इसकी एकदम ही चिल्ला रही है। और भी बहुत सारे कलर थे ना इसमें, और सारे कलर थे ना, पर ये कलर मुझे इसलिए पसंद आया, एक तो इधर पे पत्थर साइड जैसे हैं, जंगल जैसा है और समुद्र है, वहाँ से सूरज है, और सारे भी थे कई, लेकिन पानी वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, तो इसलिए ये वाली फ़ोटो मैंने मंगा ली। बाय बाय।